मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे और मेरे पति कमाने के लिए विदेश चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं घर पर अकेली हो गई थी। एक दिन मैं कपड़े डालने छत पर गई तो मैंने देखा हमारे घर के पड़ोस की छत पर एक 20 से 21 साल का एक लड़का मुझे लगातार देखे जा रहा था। मैंने उसे काफी बार नोटिस किया कि वो हमेशा मेरे ऊपर ही अपनी नजर गड़ाए रखता था। एक बार मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई और वॉशरूम का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया था, क्योंकि घर पर मैं अकेली ही होती थी इसलिए मुझे दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब मैं नहाने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छिपकर बाहर से मुझे देख रहा है। मैंने टॉवल अपने शरीर पर लपेटा और बाहर देखने गई, मगर वहां आसपास कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा बहम होगा और वापस वॉशरूम में जाकर नहाने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा पहले भी कई बार महसूस हो चुका था। लेकिन जैसे ही नहा कर मैं वॉशरूम से बाहर निकली और अपने रूम में गई तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अंदर तक डर गई। पड़ोस का वही नौजवान लड़का मेरे बेड पर लेटकर मेरी तरफ देख रहा था और उस समय मैं निर्वस्त्र उसके सामने थी। उसे ऐसे आपने रूम में देखकर मैं सुन्न पड़ गई थी। मैंने अपने दोनों हाथों से आपने उभारों को छुपा लिया और टॉवल खोजने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी वो बेड से उठा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने अपने उभारों को अपने हाथों से ढक रखा था। उसने मेरे हाथों को हटाया और मेरे उभारों पर उंगली फेरते हुए कहा, भाभी जी आप बहुत ही खूबसूरत हो, मैं जब से आपको देखा हूँ बस आपको ही सोचता रहता हूँ। अब मैंने उसे जोर से धक्का देकर अपने से दूर किया और चिल्लाने लगी। तभी उसने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद करते हुए बोला कि चिल्लाओगे तो आप ही घाटे में रहोगे और आपने मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने कर दी। मैं उसकी मोबाइल में जो कुछ देखी उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने मेरी नहाते हुए बहुत सी वीडियो और फोटो ले रखी थी जिसमें मैं बिल्कुल निर्वस्त्र थी। अपनी वीडियो और फोटो देखकर मैं समझ गई कि जो मेरा शक था वह बिल्कुल सही था। फिर उसने कहा कि अगर चिल्लाऊंगी तो तुम्हारी यह वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा, फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहा। तब उसने मेरे उभारों को चूमते हुए कहा, फिर तो भाभी जी आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं अब काफी डर गई थी और डरते हुए पूछी कि क्या काम करना पड़ेगा, तो उसने कहा कि आप मेरी जरूरत को पूरा कर दो तो मैं ये सारी वीडियो और फोटो डिलीट कर दूंगा। मैं आपको ऐसे निर्वस्त्र तो कई दिनों से देखता आ रहा हूँ और आज तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसकी बातें सुनती रही लेकिन मेरे मुंह से अब कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं अब बहुत मजबूर भी हो गई थी। फिर उसने मुझे इसी हाल में बेड पर ले जाकर लेटा दिया। फिर उसने खुद को भी कपड़ों से आजाद किया और मेरे संतरों के साथ खेलने लगा। मुझे उसका खेलना तो अच्छा लग रहा था लेकिन उसने जिस तरीके से मुझे मजबूर किया ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसके बाद उसने मेरे हर जगह किस करना शुरू कर दिया। मैं उसकी इस हरकत से बहुत डरी हुई थी और रोते हुए यही सोच रही थी कि क्या करूं। अचानक से उसको मोबाइल मेरे हाथ लग गई और मैंने मोबाइल को जोर से दीवार पर दे मारा जिसके कारण मोबाइल टूट गई। तब उसने कहा इसे तोड़ने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास आपकी बहुत सी वीडियोस और फोटो पेन ड्राइव में है। अब मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातें मानने को मजबूर हो गई। उसके बाद वह मेरे साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आया और मुझे जिंदगी भर ना भूलने वाला जख्म दे दिया। जब वह अपना काम कर चुका तो मैंने बोला कि अब डिलीट कर दो, तो वह बोला कि भाभी जी कर देंगे, आपने मेरा इतना महंगा मोबाइल तोड़ दिया है,
इसकी कसर तो आपसे ही निकालनी पड़ेगी ना। मैं समझ गई, वो अब मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मैं हिम्मत करके उसी दिन महिला पुलिस के पास पहुंची और सब बातें सच सच बता दी। महिला पुलिस ने तुरंत मेरी रिपोर्ट दर्ज की और उसके घर पर रेड मार कर उसे पकड़ लिया और अपने सामने ही उसका मोबाइल, पेन ड्राइव और बहुत ही चीजें जब्त कर ली और मेरी सारी वीडियो और फोटो भी डिलीट करवा दी तथा उसे इस जुर्म में 15 साल की सजा भी हो गई थी।